हाय गाइस, इस आशिका भाटिया एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फिल्मी बीट। अगर बुलाया गया है तो अच्छी बात है, अगर कोई पैसे दे रहा है तो भी उनके पैसे है ना, यार क्या दिक्कत है उस चीज से। इज्जत चाहिए तो जब बुलाएंगे तो तब जाएंगे। हाँ, बाहर जाके बेइज्जती नहीं है, पता चलेगा भाई तुम कौन हो, तुम्हें बुलाया हमने नहीं ना। मनीषा से अभी भी टच में हो? हाँ। बर्थडे पे आप गए थे नहीं गए थे? बर्थडे पे नहीं गई थी, तो मैंने उसको पहले बोल दिया था कि यार सॉरी, जैसे मैं दिल्ली गई थी बीच में जी, तो तब मैंने अभिषेक को टेक्स्ट किया, कहाँ हो आप, ये मैंने टेक्स्ट किया, तो आई गेस वो लोग मुंबई थे आई गेस प्लेग्राउंड के शूट के लिए। तो फिर एल्विश के साथ टच में हैं आप या फिर अभिषेक मनीषा के साथ ज्यादा आप टच में हैं? आशिका भाटिया जो हमारे साथ अपने शो के लिए इंटरव्यू करने वाली है। तो सबसे पहले तो आशिका बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस इस शो के लिए। क्या कुछ कहना चाहती है दर्शकों को, पहले तो एक मैसेज से शुरू करते हैं। मैं कहना चाहूंगी कि लॉन्ग टाइम गाइज, आई एम बैक बैक टू बेसिक। यू वांट मी टू टेल अबाउट द शो? नो, सो आई'ल आस्क द क्वेश्चन। यू नो, आफ्टर द रियलिटी शो व्हिच यू डिड, सो बहुत सारे लोगों को ऑफ कोर्स यू नो इंतजार कर रहे थे आपका। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जब एक इंसान रियलिटी शो करता है, ऑडियंस ही कहीं ना कहीं उम्मीद ये रहती कि अब शायद आगे भी रियलिटी शोज ही करेंगे, सो क्या आपको बहुत सारे रियलिटी शो ऑफर हुए थे, बट द रीजन यू चूज क्योंकि ये शो, क्योंकि आपको मोनोटोनी ब्रेक करनी थी, या फिर एग्जैक्ट क्या रीजन था? आई थिंक टू चूज बिग बॉस वाज द रीजन कि गॉड टाइम्स आई हैव बीन ओनली फॉलोइंग बिग बॉस लाइक प्रीवियस सीजंस एंड एवरीथिंग। मतलब वहाँ मुझे था कि एक बार आई वॉन्ट टू गो देर, बाकी आई डोंट नो, मतलब आई एम नॉट रियली फैन ऑफ रियलिटी शोज एग्जैक्टली, बट बिग बॉस आई थिंक एक ऐसा शो है जी जो वर्ल्ड लाइक पूरी इंडिया वॉच करती है, और वैसे उसके बाहर भी कुछ लोग हैं जो देखते हैं, एंड वी यूज टू एंजॉय दैट, स्पेशली माई मॉम यूज टू एंजॉय बिग बॉस अ लॉट एंड शी वॉन्टेड मी टू गो, लाइक ठीक है लेट्स गो। हाँ, तो आई थिंक दैट वॉज द ओनली शो दैट आई वॉन्टेड टू गो, बट एज एन आर्टिस्ट आप रियलिटी शो की तरफ ज्यादा आकर्षित हैं या डेली सोप एक ऐसी चीज है जो आप ज्यादा एंजॉय करते हो? एंजॉय तो मैं सब करती हूँ, मतलब काम काम है तो जो भी काम होता है तो मैं उसको एंजॉय करती हूँ। रियलिटी शो अलग चीज है, डेली सोप अलग चीज है, बहुत डिफरेंट लाइफ है वो, तो एंजॉय तो क्या है, मैं जहाँ होती हूँ वहाँ खुश रहती हूँ, तो मैं एंजॉय अपने में कर लेती हूँ। आप माहौल अच्छा ही बना देते हो जी। तो बिग बॉस के बाद आपको आए थे काफी ज्यादा रियलिटी शो के ऑफर, डेली शो के, अगर कुछ बताना चाहे किस तरह के ऑफर्स आपको अप्रोच हुए थे? आई गॉट विद स्प्लिट्स विला एंड टेम्पटेशन आइलैंड, बट मुझे नहीं करना था वो शो भी एक अलग है, मतलब नॉट एनी रीजन की मतलब नहीं करना, बट एक रियलिटी शो काफी है जी, अब ऐसा और नहीं करना जी। जी, तो आशिका ये शो जब आपने चुना, यहाँ पे एक आप रोबोट का किरदार भी निभा रही हैं, तो सबसे पहले क्या रीजन था इस शो को हाँ करने का, व्हाट द एनी स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड दैट? इट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट फॉर मी एज वेल एंड फॉर माय ऑडियंस, सो आई थॉट कि लेट्स टेक अप अ चैलेंज बीइंग अ रोबोट, तो हाँ इट वाज समथिंग न्यू, तो मेरे को ट्राई करना, तो मेरे को नई चीजें एक्चुअली पसंद है, बीइंग एन एक्टर आई लाइक experience to experience new things and take a challenge something unique, so that's why I took it. Okay, you know, because robot of course you know एक significant part है आपके किरदार का, अगर आपको पता होगा, I'm sure आपको पता ही होगा, television में अब तक जो सबसे successful रहा है, you know, robot के किरदार की बात करें तो रिद्धिमा पंडित को आज भी कहा जाता है फॉर बहु हमारी रजनीकांत, इतना कि जब कृति सनोन की फिल्म भी बीच में आई थी जहाँ पे वो एक रोबोट का किरदार निभा रही थी, तब उन्हें भी कहा गया था कि यू नो वो उन्हें बीट नहीं कर पाई, तो जब आपको ये रोल ऑफर हुआ आपने कुछ रेफरेंस देखा कि रिद्धिमा का, कृति का, एनीथिंग, बिकॉज़ दोज आर रेफरेंस पॉइंट, क्या आपने कुछ काम देखा था? ओके, तो मैंने रिद्धिमा का शो नहीं देखा है। ओके, मैंने ऑब्वियसली कृति को देखा था, मैंने मूवी देखी थी और मुझे अच्छा लगा था, एंड आई थिंक ऑब्वियसली कृति डिड अ वेरी गुड जॉब, आई लव्ड हर, एंड उससे अब वो चीज अलग है, ये अलग है, मतलब ये एआई है, तो यहाँ पे हमें पूरा से रोबोट रोबोट बिहेव नहीं करना है, क्योंकि मेरे अंदर रोबोट है, मैं रोबोट हूँ, बट आई एम
नॉट एग्जैक्टली रोबोट रोबोट, क्योंकि मैं एक कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ जो है जी ऋतिक की एक्स, तो मैं जी वो बन के आई हूँ, मुझे वो बनाया गया है, बट अंदर आई एम अ रोबोट. तो मेरे को वो दो करना पड़ता है कि मतलब जैसे मैं अकेली हूँ तो आई एम बिहेविंग लाइक अ रोबोट, आई एम योर स्टिफ ऐसे बिल्कुल ही, और जब मैं सबके बीच में तो आई एम लाइक अ ह्यूमन ओनली. तो बस यही रेफरेंस था कि अच्छा। मतलब हाँ कोई चैलेंजिंग, अब आपने जितना भी इस किरदार को निभाया, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग चीज आपके लिए क्या लगी है, मुश्किल चीज? कि मतलब अगर सबके साथ हो तो फिर मुझे ऐसे रहना है कि एकदम हैप्पी हैप्पी, तो तब मैं स्टिफ नहीं रह, तो मैं ऑब्वियसली मैं पहले तो थोड़ी ऐसे स्टिफ रहती हूँ, तो कभी सोचता था मैं ऐसे हिल जाती हूँ रोबोट के टाइम पे, कि मतलब मुझे ऐसे रहना होता है. जी ऑब्वियसली रोबोट ब्लिंक भी नहीं करते, बट मेरा तो बहुत ब्लिंक चलता रहता है, तो थोड़ा मुश्किल होता है, बट ठीक है हो जाता है. और व्हेन यू नो यू हैव टू बी स्टिफ, तब तुम और हिलते हो, मतलब द ऐसे तुम नहीं हिलोगे बैठे बैठे, जब तुम्हें पता होता है ना कि स्टैंड. माइंड प्लेज विद, हाँ बट ठीक है हो जाता है. जी। तो आशिका, मैं ये भी जानना चाहती हूँ, आपका नाम बिग बॉस 18 के लिए भी आ रहा था, अपेरेंटली बहुत सारे बिग बॉस ओटीटी कंटेस्टेंट्स का नाम आ रहा है, तो आया है, आप कुछ कह नहीं सकते हो, व्हाट डू यू वांट टू से ऑन दिस? ये बात तो मुझे भी नहीं पता. बट आए कुछ बिग बॉस ओटीटी 2 के कुछ कंटेस्टेंट्स के नाम आए, आपका उनमें से एक है, कि शायद आपको बिग बॉस 18 के लिए अप्रोच किया गया है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है? और अगर कभी किया, उस जॉनर के शो में जाना चाहेंगे, बिग बॉस जैसे शो में वापस हाँ जाएंगी? जाएंगे. जी। अच्छा, मुझे एक और बात बताइए, आप यू नो, जब बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 खत्म हुआ, मैंने जैसे आपको पहले भी कहा इंटरव्यू शुरू होने के पहले, बहुत सारे सेलिब्रिटी जो है बस को हॉक करना चाहते हैं, एंड यू नो लाइक इंटरव्यूज पे इंटरव्यूज, पैप स्पॉटिंग, मीडिया स्पॉटिंग करते हैं। आई डोंट थिंक आपने कुछ ऐसा किया था, जितनी मेरी नॉलेज है। एनी स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड दैट, कि आप थोड़ी यू नो प्रिवेसी भी चाहती है, बहुत ज्यादा एक्सपोज नहीं करना चाहते हैं अपनी लाइफ को, एनीथिंग यू वांट टू से? मेरा ऐसा है कि अगर मैं शूट पे हूँ तो मैं शूट पे हूँ, मैं वहीं पर रहना चाहती हूँ. बट व्हेन आई एम गोइंग आउट तो मेरा ऐसा है कि आई नीड अ पर्सनल स्पेस, कि आई एम मीटिंग माय फ्रेंड्स और आई एम गोइंग आउट विद माय फैमिली, तो तब मुझे ऐसा होता है कि नहीं यार काम हो गया ना, तो अभी ये मेरा पर्सनल टाइम है तो मुझे वो नहीं चाहिए. जी हाँ तो इसलिए आई प्रेफर लाइक नहीं, जब मैं बाहर जा रही हूँ मतलब मुझे टाइम मिला है बाहर जाने का, तो वो इट शुड बी माई पर्सनल स्पेस, इसलिए. ओके मनीषा से अभी भी टच में हो? हाँ बर्थडे पे आप गए थे, नहीं गए थे पता? बर्थडे पे नहीं गई थी क्योंकि आई हाँ वाज हियर, ओके और मुझे मतलब बहुत ऐसा था कि यू नो इट्स बीन इयर्स दैट आई हैव या वर्क फॉर 12 आवर्स, तो या नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पिक अप दैट. तो मेरी हिम्मत बची ही नहीं कि मतलब मैं ऐसे घर जाती हूँ ना, मतलब नींद तो नहीं आती मैं घर, बट घर जाके मेरे को ऐसा होता है कि बस मेरा बेड मिल जाए मुझे, मैं चादर डाल के एसी चालू करके मैं एकदम कोजी हो जाती हूँ, उसके बाद तो मुझे कोई नहीं उठा सकता वहां से. तो एकदम तो मैंने उसको पहले बोल दिया था कि यार सॉरी, मुझे लगा कि उसका बर्थडे आज है और वो कल पार्टी कर रही है, तो मुझे लगा कल 11 बजे कर रही है वो, कल का मैं एडजस्ट कर लूंगी, कितनी नहीं बहन आ जाना है. ओह शिट, आज तो नहीं आ पाऊंगी जी ब्रो, जी सॉरी, मैं जल्दी फ्री होके मिलूंगी तुझसे. जी आप दोनों यू नो, बिकॉज ऑफ कोर्स एक्टिंग की अगर बात करें, तो आप ऑफ कोर्स यू नो ज्यादा एक्सपीरियंस है, कुछ इस तरह से शेयर होती है बातें, कुछ आप उन्हें बताती हैं रिलेटेड टू एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग, ऐसी कुछ बातें होती हैं आपके और मनीषा के बीच में? हमारे बीच में तो बहुत बात होती है, भले वो गॉसिप हो, भले वो काम हो या कुछ भी हो, दो लड़कियों के बीच में हर चीज बात हो जाती है, तो फिर बट ये बातें होती है, मतलब आप उन्हें कुछ एडवाइस देते हो, बिकॉज ऑफ कोर्स आपको नॉलेज काफी है यू नो रिलेटेड टू एक्टिंग इन दिस इंडस्ट्री कंपेयर टू मनीषा। यार एक्टिंग तो वो भी अच्छी कर लेती हूँ तो सबने देखा ही है, तो मैं क्या भी बोलूँ उसको. नहीं आई थिंक ऐसे ऐसी कोई बातें हमारी नहीं होती है, मतलब ऑब्वियसली अगर कुछ ऐसा किसी को पता करना हो, कुछ ऐसे बात करनी हो, तो फिर बात हो जाती है, बट आई थिंक शी इज गुड इनफ. या ऑफ कोर्स ऑफ हाँ कोर्स। अच्छा आशिका, एक कुछ आखिरी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, आई नो ये अब बात बहुत जूनी हो चुकी है, लेकिन यू नो, गुजराती हाँ गुजराती हूँ आप नो चूली. जूनी हो चुकी है जी, तो मुझे ये बताइए, जब बिग बॉस ओटीटी 2 खत्म हुआ, बहुत सारे फैंस उम्मीद लगा रहे थे कि आप चार को एक साथ देखना, आप पार्टी करेंगे, आप ये करेंगे, जो नॉर्मल उम्मीद होती है। अनफॉर्चुनेटली आप सब, आई थिंक आप ही एक होती है जो सबसे मिलके आए, चाहे वो एल्विश हो, अभिषेक हो, मनीषा हो, लेकिन हमने चारों को कभी वो साथ में एक बार भी नहीं देखा, टू हैव फन, टू पार्टी, या फिर एक इंस्टा पोस्ट भी। डिड यू थॉट एनीथिंग वेंट रॉन्ग, कि जो शो में इतनी अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिली, बाहर आके ऐसा कुछ देखने ही नहीं? देखो बाहर जाने के बाद सब मतलब सबका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, कोई
शहर से बाहर, मतलब ऑब्वियसली अभिषेक और एलविश तो बाहर ही रहते हैं, मतलब दिल्ली में, और हम मुंबई रहते हैं, तो किसी का आना जाना तो लगा ही रहता है। जैसे मैं दिल्ली गई थी बीच में, जी तो तब मैंने अभिषेक को टेक्स्ट किया, कहाँ हो आप, ये वो, मैंने टेक्स्ट किया। तो आई गेस वो लोग मुंबई थे, आई गेस प्लेग्राउंड के शूट के लिए। तो फिर तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैं मुंबई आई, फिर वो दिल्ली रहे, दिल्ली या तो कहीं और गए थे वो। तो मतलब ऐसे, तो ऐसे साथ में टाइमिंग्स मैच नहीं हो पाते, क्योंकि उनका भी अलग काम चलता है, हमारा भी अलग काम चलता है, मनीषा का भी अलग, वो भी उस टाइम पे आगे अलग कर रही थी या कुछ, नहीं अलग खत्म हो कुछ, तो मतलब सबका अपना अपना। तो ऐसे साथ में मिलने का ऑब्वियसली आई डोंट थिंक सो टाइम बन पाए। एलविश के साथ टच में हैं आप, या फिर अभिषेक मनीषा के साथ ज्यादा आप टच में हैं? उनके साथ ज्यादा, उन दोनों के साथ। दोनों के साथ ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, एक एक आखिरी चीज मैं पूछना चाहूंगी। जैसे अभी यू नो मनीषा का बर्थडे था, आई 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 डोंट नो, बट आई थिंक अभिषेक ने स्टोरी नहीं रखी, तो उन्होंने कर दिया पर्सनली विश, लेकिन अभिषेक को यू नो काफी ज्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा उनके कॉमेंट सेक्शन में, मैंने देखा था। एंड आई एम श्योर एल्विश का बीच में एक लीगल इशू हो गया था, जहां पे बहुत कहा गया कि क्यों उनके दोस्त बिग बॉस के दोस्तों ने कुछ नहीं बोला। जब इस तरह की ट्रोलिंग होती है, फैंस के एक बहुत ही मिक्सड इमोशंस है एक दूसरे के साथ, आप किस तरह से लेते हो इन चीजों पे, एंड क्या रिलेशन है अब चारों का इन बीच में, या फिर आप लोग के बीच में क्या वो अंडरस्टैंडिंग है, दैट यू नो कि आप लोग हर जगह नहीं बोल सकते हो एक दूसरे के लिए, स्पेशली मीडिया पहली चीज तो मुझे समझ नहीं आती कि भाई स्टोरी नहीं डाली तो क्या हो गया, कि में। तुम्हें पता है कि उसने पर्सनली फोन करके फोन किया होगा या किया होगा। आई थिंक तुम पर्सनली किसी को फोन करे और टेक्स्ट भी करो तो वो ज्यादा बेटर है, या ज्यादा अच्छी बात है, तो इंसान को अच्छा भी फील हो। स्टोरी हर कोई डालता है, उससे क्या हो जाता है। कोई पर्सनली विश कर रहा है तो आई थिंक, मैं तो अगर मुझे कोई पर्सनली विश करे स्टोरी ना डाले तो मुझे उससे कोई जी प्रॉब्लम नहीं है। क्या है सब स्टोरी हो रही, हाँ अभी आया है सब डालने का, पहले तो कभी था नहीं, तो जी टेक्स्ट ही करते थे ना, जी तो ठीक है। आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई इशू होना चाहिए। बट ये जब ट्रोलिंग होती है आप उसको दिल पे लेते हो ना, बट नाउ यू आर ओके, अब तो पता है किस तरह से टैकल करना है भाड़ में। ओके, आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे। ओके आशिका, आई एम श्योर यू आर अवेयर कि बीच में यू नो देर इज अ टाइम जब कैन सुन फेस्टिवल आता है, एंड कुछ एक सेक्शन ऑफ इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जिन्हें लेके जाया जाता है ना। यू आर ऑफ कोर्स एन एक्टर, बट अगर हम आपका सोशल मीडिया अकाउंट देखें तो यू आर ऑल्सो एक्टिव देयर। आई वुड से कि सोशल मीडिया आपके करियर का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा डेफिनेटली है। तो आप मुझे बताइए इस पूरे मुद्दे पे, जहाँ पे हर बार इन्फ्लुएंसर्स को जब कैंस या ऐसे प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल में लेके जाया जाता है और उन्हें बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिलता है, आई थिंक बिकॉज पीपल थिंक शायद उसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगती है बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, व्हाट एवर द रीजन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस ट्रोलिंग, दिस अक्यूजिएशंस, स्पेशली ऑन इन्फ्लुएंसर्स एंड कंटेंट क्रिएटर? मतलब मुझे उनका ज्यादा आइडिया नहीं है जो वहां होता है, जहां भी लोग जाके आए। मतलब मैंने भी जितने वीडियोस देखे हैं, कुछ कहते हैं कि किसी को इनवाइट किया, कोई कहते हैं किसी ने जी पैसे दिए, जी मतलब जी तो मालूम ही नहीं है सब होता कैसे है भाई। मतलब अगर बुलाया गया है तो अच्छी बात है, अगर कोई पैसे दे रहा है तो भी उनके पैसे है ना, यहाँ क्या या दिक्कत है उस चीज से, हमें तो क्या फर्क पड़ता है भाई। आप अगर आपको ऐसे फिल्म फेस्टिवल में जाने मिलेगा, आप इनवाइट पे ही जाएंगे या पैसे दे के जाएंगे, बिकॉज वहां पे अच्छी खासी रकम लगती है जाने को। पर यहाँ पे भी तो फोटो शूट हो ही जाएगा ना, पर वहां पे थोड़ा इंटरनेशनल लेवल पे होगा, इज्जत चाहिए, तो इज्जत जब ज्यादा। बुलाएंगे तो तब जाएंगे। हाँ, बाहर चलो, जाके बेइज्जती नहीं की है, पता चलेगा भाई तुम कौन हो, तुम्हें बुलाया हमने, नहीं ना। ओके आशिका, अभी तो आप ये शो कर रहे हो, किस तरह से आगे का काम करना चाहते हो, कुछ भी प्लान्स हैं कि एटलीस्ट आने वाले कुछ सालों में मुझे ये काम करना है या ये मीडियम तो करना ही करना है? ऐसा कुछ सोचा नहीं है मैंने, मतलब मैं तो ओपन हूँ हर चीज के लिए, तो जो काम आएगा पसंद आएगा तो कर लेंगे। हाँ, तो आई एम ओपन फॉर एवरीथिंग, आई हैव नॉट थॉट ऑफ समथिंग स्पेसिफिक राइट नाउ। हाँ Is there anyone who guides you? Maybe your family, maybe industry के लोग जिनको आप जानते हैं, या फिर खुद ही आपको जितना जैसा समझ में आता है you navigate things? मम्मी है थोड़ा, ऑब्वियसली वो तो बोलती है, बाकी तो मैं खुद से देख लेती हूँ। ओके आखिरी सवाल, कुछ एस्पिरेशंस हैं किस तरह का किरदार करना है, या फिल्मों में कभी जाना है, एनीथिंग व्हिच यू वांट टू से? फिल्मों में तो जाना ही है, सबको जाना है, मुझे भी जाना है, जाएंगे मौका मिलेगा तो जाएंगे जरूर। जी, किसी तरह का किरदार चाहोगे एज एन एक्टर? कुछ तो ड्रीम ड्रीम कैरेक्टर्स होते हैं ना। कभी सोचा ही नहीं था कभी ऐसे, मतलब पता नहीं, मतलब मेरे अभी तक जितने रोल रहे हैं,
सारे सेम ही थे, ऑलमोस्ट एक नेगेटिव था, वो भी मैंने कभी सोचा नहीं था, बट मेरे को था कि कुछ नया तो ले लेते हैं, तो नेगेटिव भी मैंने पकड़ा, फिर अभी AI ये भी नया था तो मैंने ये भी पकड़ लिया, सब नए चीजें जो भी एक्सपीरियंस होगा वो सब करेंगे, हाँ, जो नया होगा मेरे प्रीवियस कैरेक्टर से, तो आई लाइक टेकिंग चैलेंजेस. ओके एंड ऑन दिस नोट आई रियली होप आपको बहुत सारे चैलेंजिंग किरदार मिले जो एज एन एक्टर आपको बहुत एनहांस करे और ग्रो करने का मौका दे. कुछ फैंस को बोलना चाहोगे? मैं कहना चाहूंगी थैंक यू मुझे बहुत सारा प्यार देने के लिए, और होप करूंगी कि इस सीरियल के लिए भी आप मुझे दें और आगे भी देते रहें. सो आई ट्राई माई बेस्ट टू कीप यू गाइज एंटरटेन एंड हैप्पी. सो लव यू. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू.